गौहर जान का जन्म 26 जून 1873 को हुआ था। जब वह केवल 6 साल की थी तब उनके माता पिता अलग हो गए थे। अलग होने के बाद गौहर जान और उनकी माँ 1881 में बनारस चली गईं, जहाँ उनकी माँ एक कुशल गायिका, कथक नर्तकी और एक वेश्या बन गईं। 1883 के अंत में वे कलकत्ता चले गए और वहाँ संक्षिप्त रूप से लग्जरी संपत्ति के मालिक थे। जैसा कि गौहर को बनारस में पेशेवर नर्तकियों द्वारा प्रशिक्षित किया गया था, उसने दरभंगा राजशाही दरबार में पदार्पण किया और एक दरबारी संगीतकार के रूप में काम पर रखा गया। बाद में उन्होंने कलकत्ता में प्रदर्शन करना शुरू किया और उन्हें रिकॉर्ड में पहली नृत्य करने वाली लड़की के रूप में संदर्भित किया गया। 1902 से 1920 के अपने जीवन काल के करियर में उन्होंने बंगाली, हिंदुस्तानी, गुजराती, तमिल, मराठी, अरबी, फारसी, पश्तो, फ्रेंच और अंग्रेजी सहित 10 भाषाओं में 600 से अधिक गाने रिकॉर्ड किए। ठुमरी, दादरा, काजरी और तराना अपने समय के सबसे लोकप्रिय हिंदू शास्त्रीय संगीत थे। एक कीर्तिमान स्थापित करने के लिए उन्होंने हिंदुस्तानी शास्त्रीय शैली में जटिल धुन को 3.5 मिनट के भीतर प्रस्तुत करने का कौशल भी सीखा। उनके सबसे प्रसिद्ध गीतों में ठुमरी मोरा नाहक लाए गवनवा, जब से गए मोरी सू ढूंढना लाए, रस के भरे तोरे नैन, मेरे दर्द ए जिगर और राधे कृष्ण बोल मुख से जैसे भजन शामिल हैं, जिन्हें वह भैरवी बोली में गाती हैं। उन्होंने पहली बार मद्रास का दौरा किया और जल्द ही उनके हिंदुस्तानी और उर्दू गाने तमिल संगीत की किताबों में प्रकाशित हुए। वह एक अमेरिकी साउंड इंजीनियर फ्रेड गैसबर्ग द्वारा 78 परिक्रमण प्रति मिनट रिकॉर्ड पर भारत में संगीत रिकॉर्ड करने वाली पहली कलाकार थी, जिसे बाद में भारत की ग्रामोफोन कंपनी द्वारा जारी किया गया और इसके परिणामस्वरूप उन्हें द ग्रामोफोन गर्ल और पहली रिकॉर्डिंग सुपरस्टार के रूप में जाना जाने लगा। भारत के पहले रिकॉर्डिंग सत्रों में से एक में ग्रामोफोन कंपनी के फ्रेड गैसबर्ग ने गौहर जान को राग जोगिया में ख्याल करते हुए कैद किया। स्थानीय कलाकारों की कुल संख्या 500 से अधिक थी। जर्मनी ने रिकॉर्ड तैयार किए, जिन्हें तब भारत भेजा गया था। वे भारत में फोनोग्राफ संस्कृति के प्रसार में काफी सफल रहे। उसके रिकॉर्ड 1903 में भारतीय बाजारों में दिखाई देने लगे और उच्च मांग में थे। भारतीय शास्त्रीय संगीत को सैलून और सोरी रेंज से सीधे लोगों के घरों में ले जाया गया। दिल्ली के दरबार में किंग जॉर्ज पंचम के राज्याभिषेक में प्रदर्शन के लिए आमंत्रित किए जाने पर उन्हें सबसे अच्छी पहचान मिली। 1928 के अंत में वह मैसूर चली गईं, जहां उन्हें महल संगीतकार नियुक्त किया गया। लेकिन इन 18 महीनों के भीतर यानी 17 जनवरी 1930 को उनकी मृत्यु हो गई। गौहर भारत में और भी कई कलाकारों की प्रेरणा बन चुकी हैं। उनका गाना कवर पर उनकी तस्वीर के साथ ऑडियो एल्बम विंटेज म्यूजिक फ्रॉम इंडिया 1996 का भी हिस्सा है।